और जो भी आता है वो मार्बल की तारीफ करता है। राम राणा मार्बल्स में आपका स्वागत है। हमारी जो लोकेशन है राजस्थान मकराना में, एंड हम मकराना मार्बल की ही क्वालिटी के साथ डील करते हैं। कुछ टाइम, मतलब 2 साल पहले हमारा जो मटेरियल था केतल हरियाणा के लिए लोड हुआ था और कस्टमर डायरेक्ट हमारे पास आए थे और जो स्लैब्स मैंने सेलेक्ट की थी वही वह लेके गए थे। तो आज वो दिन आ गया जब मार्बल फिटिंग होके पॉलिश हो चुका है और आज मैं राजस्थान मकराना से केथल गया हूँ, जो यहाँ से 450 किलोमीटर है, और वहाँ वापस जाके मैंने कस्टमर का फीडबैक लिया है और कंप्लीट फ्लोरिंग इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उन्होंने रियली में बहुत ही प्यारा घर बनाया है और वह फ्लोरिंग भी बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो कंप्लीट ये आपको वीडियो में इसका दिखाऊंगा, तो आपको कंप्लीट फीडबैक एंड फ्लोरिंग देखने को मिलेगी। आपको मैं बता दूँ, कोई भी है वीडियो बनता है तो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। अब यहाँ से 450 में जाके कस्टमर के पास पूरी मीटिंग किया हूँ ताकि आपको एक एक क्वालिटी का पता चल सके और कस्टमर के साथ किस तरीके से हमने डील की वह आपको पता चल सके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। ताजमहल का मार्बल आज भी चमकता है, पता है क्यों? क्योंकि वो मकराना मार्बल से बना है। राम राणा मार्बल्स एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ मकराना मार्बल एट बोरावर बाईपास मकराना। कॉल 9829074358। कॉल राम राणा मार्बल्स 9829074358। एक बार वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको 2 साल पुराना लोडिंग का और कस्टमर का फीडबैक वीडियो दिखा दूंगा, तो आपको एक्चुअल आइडिया हो जाएगा कि कौन सा मार्बल उस टाइम पे लोड हुआ था। तो सबसे पहले एक बार कस्टमर का उस टाइम का फीडबैक जानते हैं जी। और उनमें भी मैंने देखा भी लोगों को काफी अच्छा इनका माल जा रहा है, लोगों के फीडबैक अच्छे आ रहे थे जी। तो फिर ये मेरे साधु साहब हैं, हम आए हुए थे, मेरे पास आए हुए थे जी। तो हमने प्रोग्राम बनाया जी, हम आए इनके पास, फिर हमने मार्बल देखा और इन्होंने अच्छा मार्बल दिया हमारे को जी, और क्वालिटी वाइज भी छत डूंगरी का मार्बल लिया है हमने जी जी, और जी, रेट के मामले में भी इन्होंने जैसे लोग बोलते हैं 250, 300, 350 ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया रेट में इन्होंने जी, जी, अच्छे रेट में, जेन्युइन रेट में इन्होंने हमारे को मार्बल दिया, हमारे बजट के अंदर मार्बल दिया। और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुरू से लेकर लास्ट तक बढ़िया पीस नहीं है, कहीं भी धोखेबाजी या कोई भी ऐसा नहीं। और यही एडवाइस करूंगा भाई, एक बार आप आइए इनके यहाँ पर, लो ना लो, वो कस्टमर की मर्जी है, हमारी भी थी, हमने भी सोचा कि 65 किलोमीटर कोई एक और दुकान है, मैंने बोला साधु साहब को चलो वहाँ चलते हैं, लेकिन पता नहीं क्या इनके दिमाग में, कर नहीं लेना तो यहीं से लेना। मैंने भी ऐसी के खास बात कह रहा, बस मेरे मन में जी मेरे को जो व्यवहार और जो प्यार मिला है और जो चीज मुझे विश्वास में दिया गया, तो इसलिए मैंने यहाँ से लिया। और मेरे मन में डर था जी 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 कि यार जैसे ही कह रहे हैं कि मकराना में ऐसा कोई डर वाली बात नहीं है, बड़ा मजा आया डीलिंग करते हुए, और अभी हमारी गाड़ी लोड हो गई है जी जी, अब हम निकलने के लिए तैयार हैं। अब ये उस टाइम पे कस्टमर का 2 साल पुराने का फीडबैक वीडियो मैंने आपको दिखाया और ये स्लैब्स है जो उस टाइम पे कंप्लीट लोड की गई थी। तो ये कंप्लीट लोडिंग थी, ये एक चकडूंगरी मार्बल की स्लैब है जो हमारे कस्टमर ने सेलेक्ट की थी, काफ़ी बढ़िया मार्बल उन्होंने कंप्लीट उस टाइम पे लिया था। कंप्लीट लोडिंग हो गया, उसके बाद में फिटिंग हो गया, पॉलिश हो गया, उसके बाद में मैं पूरा आपको ये फिटिंग का फ्लोरिंग का वीडियो दिखाने वाला हूँ। एक स्टेयर केस के लिए उन्होंने इस स्लैब का सिलेक्शन किया जो काफ़ी बढ़िया स्लैब है, आप देख सकते हैं हाइट 4 फीट से ज़्यादा है, और एक मेन एरिया के लिए जो बारीक सिलाई की जो स्लैब है इस क्वालिटी का सिलेक्शन किया था। इसका भी जो मेजरमेंट एकदम फ्रेश मेजरमेंट है, जो आप होल देख रहे हो उसको कट करके मेजरमेंट किया था, और ये जो लोडिंग हो रही है ये स्टेयर केस वाली स्लैब है जो रूम और स्टेयर केस में यूज़ की गई है। और अब आइए आज का पूरी फ्लोरिंग देखते हैं। राम राणा मार्बल्स में आपका स्वागत है। मैं आज आपको ले आया हमारे कस्टमर के घर पे, जो है हरियाणा के अंदर केथल के अंदर हमारे कस्टमर का घर है, और यहाँ पे पर्टिकुलर मैं खुद यहाँ पे आया हूँ और कस्टमर का कंप्लीट फ्लोरिंग का वीडियो आपके मैं दिखाने वाला हूँ। रियली मैं आपको बता दूँ, बहुत ही प्यारा घर बनाया, मेरे को तो बहुत पसंद आया, और आपको पसंद आता है या नहीं ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। सबसे पहले एंट्रेंस में पार्किंग के अंदर आप देख पा रहे हैं तो चकडूंगरी मार्बल के कट पीसेस लगा रखे हैं, बहुत ही प्यारे कट पीसेस लग रहे हैं, और आपको कैसे लग रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि सिंपल
ब्लैक बॉर्डर, चारों तरफ ब्लैक बॉर्डर, जो साउथ ब्लैक है उसका बॉर्डर देखे कट पीसेस लगाए हैं जो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं और काफ़ी अच्छा इसका गेटअप आ रहा है, काफ़ी यूनिक एंड बढ़िया घर बनाया है और इसके अंदर मकराना मार्बल लगाया, मतलब काफ़ी बड़ी बात है। और स्टेयर केस में आप देखेंगे तो चकडुंगरी के ही स्टेप है और राइजर के अंदर ग्रेनाइट यूज़ लिया है जो साउथ ब्लैक का ग्रेनाइट है, उसके कॉम्बिनेशन के साथ में पूरी स्टेप्स रेडी की गई है। तो स्लैब चकडुंगरी की, चकडुंगरी मार्बल की स्लैब और प्लस जो साउथ ब्लैक है उसका ग्रेनाइट के कॉम्बिनेशन के साथ में स्टेयर केस बहुत ही प्यारी लग रही है। उसके बाद में अंदर एंटर करते हैं तो चकडुंगरी स्लैब के अंदर जो स्टार बनाया गया है वह एक यूनिक एंड बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। और जैसे ही अब मेन एंटर करते हैं तो साउथ ब्लैक पीस के बाद में सीधे जो आप देख पा रहे हैं स्ट्रेट हल्का सा डायमंड डिज़ाइन के साथ में मकराना चक डोंगरी मार्बल की स्लैब लगी हुई है और इसका गेटअप आप देख सकते हैं कि काफ़ी प्यारा गेटअप आ रहा है, एकदम पेंसिल लाइन के साथ में बहुत ही बढ़िया एंड यूनिक स्लैब है और इसकी लुकिंग एंड शाइनिंग आप देख पा रहे हैं काफ़ी प्यारी शाइनिंग आ रही है। उसके बाद में साइड में आप देखते हैं तो डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया के अंदर आप देख सकते हैं कि जो क्वालिटी है मकराना वाइट यूज़ में लिया गया है, वह मकराना वाइट के साथ में डिज़ाइन बना के पूरी रेडी की गई है जो आप लुक इसका देख सकते हैं। और पूरा एंट्री मैं आपको पूरा घर दिखा रहा हूँ जो काफ़ी प्यारा लग रहा है। इसमें 2 इंच के बॉर्डर के साथ में चारों तरफ बॉर्डर के साथ में जो वाइट है उसके कट पीसेस यूज़ में लिए गए हैं और इसका भी आप गेटअप देख सकते हैं तो काफ़ी प्यारा गेटअप आ रहा है और लगने के बाद में काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है। पूरा घर मैंने देखा, मेरे अकॉर्डिंग पूरा मार्बल डिसाइड किया और कस्टमर यहाँ पे आके भी गए और पूरी लुकिंग आप इसकी देख सकते हैं, गेटअप देख सकते हैं, सिंपल शोबर के साथ में बहुत ही अच्छा इसका डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है और लग भी काफ़ी प्यारा रहा है। और जो इसके अंदर चकडुंगरी मार्बल है उसका क्रिस्टल जो है मिनिमम क्रिस्टल है, इसकी वजह से पॉलिश भी इसके ऊपर काफ़ी अच्छी पॉलिश आई है, शाइनिंग भी काफ़ी अच्छा है। और इस मार्बल को इतनी दूर आके हमारे कस्टमर लेके गए तो जिसका बेनिफिट यह है कि ये मटेरियल कभी ख़राब नहीं होगा, ना ही ये कभी येल्लो होगा और आगे से आगे पैटर्न बन रहा है, डिज़ाइन बन रहा है, इसका काफ़ी अच्छी खूबसूरती आ रही है, बहुत ही ये प्यारा लग रहा है। उसके बाद में अगर किचन में देखते हैं तो किचन जो है ओपन किचन है और ओपन किचन के अंदर इन्होंने इसी चकडुंगरी मार्बल की स्लैब लगाई है जिसके अंदर काफ़ी अच्छा पैटर्न क्रिएट हो रहा है और बहुत ही प्यारी इसकी पूरी स्लैब जो चकडुंगरी की मार्बल की स्लैब है उसका डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है। डिज़ाइन क्रिएट होने से काफ़ी जो पैटर्न है पूरा एक्चुअल पैटर्न इसका निकल के सामने आ रहा है। और पूरा कंप्लीट घर में दिखाऊंगा, इसके अंदर पूरी एक एक रूम्स के फ्लोरिंग दिखाऊंगा, पूरा ऊपर भी आपको मैं पूरा दिखाने वाला हूँ, स्टेयरकेस भी दिखाने वाला हूँ, तो एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इसके बाद में अगर आप रूम्स में देखते हैं तो रूम्स के अंदर भी चकडुंगरी मार्बल की ही स्लैब लगाई गई है, जिस हिसाब से ये घर बना है, ये रूम बना है, उसके अकॉर्डिंग ही पूरी फ्लोरिंग रेडी की गई है। मतलब एक इस पूरे घर को क्लासिक काफ़ी अच्छा बनाने में इस मार्बल का भी बहुत बढ़िया योगदान रहा है। और जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डिज़ाइन बनता हुआ, ये सबसे बड़ी खास बात अगर आप इनके अंदर नोट करेंगे तो इसके अंदर कहीं पे भी आपको बॉर्डर नहीं दिया गया है, एकदम सिंपल शोबर, एकदम सिंपलिसिटी के साथ में ये पूरा रूम रेडी किया गया है जो काफ़ी प्यारा लग रहा है, काफ़ी अच्छा इसका लुक देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर आप यहाँ पे बैक साइड में देखते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फ्लोरिंग कितनी अच्छी लग रही है, कितना अच्छा इसका गेटअप आ रहा है। और अभी आपको मैं बता दूं कि ये पूरा पॉलिश हो रखा है, तो पॉलिश होने के बाद में आप इसका जो एक्चुअल लुक है वो आप देख सकते हैं। पूरा घर रेडी होने के बाद में ही मैं यहाँ पर आया हूँ और लास्ट में जब हमारे कस्टमर हैं उनका क्या फीडबैक रहा, पूरा काम होने के बाद में उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार मैं आपको बाथरूम की झलक भी दिखा देता हूँ, इतना अच्छा घर बनाया तो बाथरूम किस तरीके से होगा। तो इसके अंदर भी जो है सिरेमिक टाइल के साथ में काफ़ी अच्छा बाथरूम रेडी किया गया है और ये आप देख सकते हैं कि पूरा मिरर जो है, मिरर भी काफ़ी अच्छा यूज़ में किया लिया गया है। तो पूरे घर का आप एक एक पॉइंट नोट करते हैं तो रियलिटी ये है कि घर बहुत ही खूबसूरत बना है और पूरे घर को
पूरा घर के टूर मैं आपको करवा रहा हूँ, तो आपको पूरा आइडिया होगा कि मकराना मार्बल जो है लगने के बाद में किस तरीके से लगता है, किस तरीके से इसका गेटअप आता है। हल्के से डायमंड डिज़ाइन के साथ में ये प्यारा लग रहा है। और बात करते हैं स्टेयर केस की, तो स्टेयर केस के अंदर स्ट्रेट लाइन डिज़ाइन ही पूरा यूज़ में लिया गया है। और यहाँ पे भी इस रूम के अंदर जो डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है, स्ट्रेट लाइन की स्लैब यूज़ में ली गई है। जो स्लैब स्टेयर केस के अंदर यूज़ में ली गई है वही हमने इस रूम के अंदर यूज़ में लिए। तो स्ट्रेट लाइन अगर आप लाइक करते हैं, सिंपल शोबर डिज़ाइन लाइक करते हैं, तो आप स्ट्रेट लाइन भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कहीं पे कोई बॉर्डर यूज़ में नहीं लिया गया है। जो एकदम सिंपल शोबर बेस्ट डिज़ाइन होता है वह हमारे कस्टमर ने सेलेक्ट किया है। और एक रियलिटी आपको मैं यह भी बता दूं कि अगर इटालियन मार्बल है उसको भी यह क्वालिटी फेल करती है, क्योंकि अभी लास्ट में हमारे कस्टमर के फीडबैक के अंदर आप देखेंगे कि उन्हीं के फ्रेंड ने इटालियन यूज़ लिया है और इन्होंने इंडियन, दोनों के अंदर क्या फ़र्क है। अभी आप स्टेयर केस देख रहे हैं, पूरी जो नीचे से लाइनिंग है ऊपर तक चढ़ती हुई जा रही है, जो एक झरना डिज़ाइन बोलते हैं वह पूरा झरना डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है नीचे से ऊपर तक। और मेरी नज़र में यह क्वालिटी सबसे बेस्ट क्वालिटी है, क्योंकि इसको आप सिल्कनेस, इसका क्रिस्टल, एक एक क्वालिटी पे आप फोकस करते हैं तो ये क्वालिटी काफ़ी प्यारी है। और इस मार्बल की खास बात यह रहती है कि इस पर पॉलिश भी बहुत बढ़िया आती है। अब आप सोचिएगा कि मकराना से केतल 450 है, यहाँ मैं बाइक कार गया था और पूरा फ्लोरिंग का वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ, ताकि आपको मकराना मार्बल की एक्चुअल क्वालिटी का नॉलेज हो सके और आपको पता चले कि मकराना मार्बल लगने के बाद में कितना खूबसूरत लगता है। और बजट आपके ऊपर है, आपको जिस बजट के अंदर आपको मार्बल चाहिए मिल जाता है। बट थोड़ा सा मैं हर कस्टमर को यही बोलता हूँ कि बजट थोड़ा अच्छा ही लेके आए, ताकि क्वालिटी घर में अच्छी लग सके। अब जैसे ऊपर के हॉल के अंदर देखते हैं तो इसके अंदर भी हल्का सा डायमंड और स्ट्रेट लाइन डिज़ाइन के साथ में किस तरीके से पूरा डिज़ाइन बन रहा है, पूरा पैटर्न बन रहा है, और बिना बॉर्डर के साथ में सिंपल शोबर बेस्ट लग रहा है। और मेरी नज़र में ये फ्लोरिंग, इसके अंदर मैंने भी काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि वो जब आए थे तो मैंने मेरे अकॉर्डिंग ही मार्बल उनको चॉइस करवाया था। और आप देख सकते हैं कि फाइनल रिजल्ट के बाद में ये फ्लोरिंग कितनी प्यारी लग रही है। वैसे मैं पर्टिकुलर अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो वीडियो से अच्छा मेरे को ये फ्लोरिंग लग रही है। आप थोड़ा इसको देख सकते हैं या फील कर सकते हैं। और आप जैसे कि मेरे वीडियोस भी देखते हैं तो आपको मकराना मार्बल की क्वालिटी का नॉलेज भी होता जाएगा। और फ्यूचर के अंदर आप मार्बल लेते हैं तो आपको ये लॉस नहीं होगा कि आप मकराना मार्बल छोड़ के अदर क्वालिटी लेते हैं मकराना सोच के। तो अभी इसकी चमक, शाइनिंग, जैसे ऊपर की लाइट्स है वह भी आपको नीचे देखने को मिल रही है कि भाई ये किस तरीके से पूरी लाइट नीचे दिख रही है। इसका मतलब पॉलिश इसके अंदर बहुत अच्छी आती है। कई बार मार्बल ऐसा होता है कि आप पॉलिश करवाते जाओ, वह पॉलिश उस मार्बल पे खिलती नहीं है, पॉलिश आती ही नहीं है। बट ये मार्बल ऐसा पॉलिश करवाते जाओ आती जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये रूम्स के अंदर आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन डिज़ाइन पैटर्न बहुत ही प्यारा क्लासिक लुक आपको देखने को मिल रहा है। इसके अंदर फोकस करते हैं तो खास बात ये रहती है कि इसके अंदर जो इसकी सड़ाई, जैसे कि जो बारीक पेंसिल लाइन है वह बहुत ही प्यारा गेटअप दे रही है। जिस तरीके से मान लो एक शाही पैटर्न होता है तो उस तरीके से काफ़ी अच्छा लुक दे रही है। ड्यूप्लेक्स के अंदर आप देख सकते हैं ये पूरा घर है। मैं ऊपर के साइड में आ चुका हूँ और यहाँ की पूरी फ्लोरिंग आप देख सकते हैं, पूरा शाइनिंग ग्लेज भी आप इसके अंदर देख पा रहे हैं। ये मैं आपको जो व्यू दिखा रहा हूँ ये बालकनी का है। ऊपर अभी थोड़ा सा एरिया खाली है, यहाँ पे पूरी गार्डनिंग होनी बाकी है, कुछ थोड़ा सा काम बाकी है, बट फ्लोरिंग का काम मोस्टली पूरा रेडी हो चुका है। और जैसे कि पूरी फ्लोरिंग की आप देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ी बात तो जैसे कि मैं धन्यवाद देता हूँ जो फिटिंग किया उनको, मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने काफ़ी अच्छा फिटिंग किया तभी ये लुक सामने आया। कई बार मैं बोल दूं कि मेरा पूरा प्रयास है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर हर इंसान की मेहनत लगी हुई है, अच्छे से अच्छे इसको फिटिंग किया गया है और अच्छे से अच्छे इसको पॉलिश किया गया है, तब इसका ये एक्चुअल लुक पूरा सामने, पूरा गेटअप सामने आ रहा है। और इस पूरी फ्लोरिंग के साथ में, मार्बल के साथ में हमारे जो कस्टमर है वह 100% सेटिस्फाई है।
और पूरी आप इसकी फ्लोरिंग देख सकते हैं, पूरे लाइन टू लाइन मैच करके किस तरीके से इसको फिटिंग किया गया, यह एक बहुत ही खास बात है। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं कि मकराना मार्बल की फिटिंग हर कोई नहीं कर सकता है, जो मकराना मार्बल का काम करता है वही इस मार्बल को फिटिंग कर सकता है। और पूरे घर का आप व्यू देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छा व्यू आप देखने को मिल रहा है। अब जैसे कि ये रूम है, इसके अंदर आप देखते हैं कि 2 इंच की बॉर्डर यूज़ करके सिंपल बॉर्डर भी सिंपल, एक्चुअल में मेरा भी यही मानना है आप सिंपल शोबर मार्बल यूज़ करो काफ़ी बेटर आएगा। तो पूरा आप देख पा रहे हैं कि इतने अच्छे रूम के अंदर सिंपल बॉर्डर यूज़ करके पूरी फ्लोरिंग रेडी की गई है, जो काफ़ी बेहतरीन है। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे कि अगर आपको मार्बल परचेस करना है तो हमारी जो प्रॉपर लोकेशन है राजस्थान के अंदर मकराना में, जो जयपुर से 100 अजमेर से 100 किलोमीटर दूर है, और हमारा गोडाउन वैसे पूरा 10 बीघा के अंदर फैला हुआ है, जहाँ पे हम मकराना मार्बल की ही क्वालिटी के साथ में डील करते हैं। और आपको मैं बता दूँ, हमारे गोडाउन के ऊपर फ्रेश मटेरियल एंड विदाउट फिलिंग मटेरियल मिलेगा। तो अगर आप मकराना मार्बल लेना चाहें तो कभी भी मकराना विजिट करके इजीली मार्बल सेलेक्ट कर सकते हैं। आना थोड़ा सा आपको मुश्किल रहे तो आप ये मटेरियल ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो है वह आप सेव करके और कंप्लीट मार्बल का कैटलॉग आप वहाँ से देख सकते हैं एंड अपने मार्बल का ईजिली आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और यह पूरी फ्लोरिंग इसकी भी देख पा रहे हैं। अब जैसे कि अब मैं आपको इन जो भी फ्लोरिंग है, जो भी मार्बल इन्होंने लिया है, इसके प्राइस की बात करते हैं तो इन्होंने कुछ 150 का लिया, कुछ 200 का लिया। तो 150 से 200 की रेंज के अंदर आप प्राइस मान के चलिए, ये उस टाइम की बात है कि उस टाइम पे उन्होंने इस रेंज के अंदर मार्बल लिया था। अब जैसे कि कुछ टाइम हो गया तो प्राइस थोड़ा अप डाउन हो सकता है, बट ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आएगा। बट अदर क्वालिटी आप लेते हैं उससे काफ़ी बढ़िया है। तो जैसे कि आप अदर जो भी क्वालिटी लेते हैं उसकी मेरी नज़र में उससे बढ़िया क्वालिटी है, और रेंज भी ये मान के चलिए उसी के लमसम ही आपको रेंज जानी होगी। बाकी तो मैं आपको बता दूं, मकराना मार्बल के अंदर कोई एंड नहीं है। अगर आप बजट कम है तो माता पर कुमारी ले सकते हैं, फिर चक डूंगरी जो आप ये फ्लोरिंग देख पा रहे हैं ये ले सकते हैं। अगर आपका और अच्छा बजट है, अगर आप इटालियन से कंपेयर करते हैं तो उससे बढ़िया आप मकराना वाइट अल्बेटा ले सकते हैं, और आपकी और ज़्यादा प्योर वाइट चाहिए तो मकराना प्योर वाइट भी आप ले सकते हैं। तो चॉइस और बजट आपके ऊपर है, और कौन सी क्वालिटी आप चाहते हैं उसी को आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि आप इस पूरे घर को देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा इंटीरियर किया गया है, और पूरे घर की आप लुकिंग देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि घर के अकॉर्डिंग मार्बल नहीं रहता। और आपको मैं क्लियर बता दूं कि लास्ट में आप कितना ही अच्छी ईंट यूज़ ले ले, सीमेंट यूज़ ले ले, सरिया यूज़ ले ले, वह मजबूती के लिए काफ़ी अच्छा है, बट जो लास्ट में दिखना है वह आपके मार्बल एंड फर्नीचर ही दिखना है। तो कहीं पर भी जाके इनके साथ कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, हमेशा ये बढ़िया ही लगाइए, ताकि आपकी एक तो प्रॉपर्टी अच्छी हो रही है, उसकी गुडविल अच्छी क्रिएट हो रही है, और आप जहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं वहाँ आप एनी टाइम अच्छी चीज़ लगी हुई देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कस्टमर को विश्वास है, और तभी हम वहाँ से इतने दूर आए हैं, कस्टमर की पूरी फ्लोरिंग आपको दिखा रहे हैं, उनका फीडबैक आपको दिखा रहे हैं। अब जैसे कि डुप्लेक्स पूरा घर है, पूरी स्टेयरकेस आप देख पा रहे हैं, एक पहली स्टेप से शुरू होते हैं तो लास्ट तक जो लाइनिंग है एंड तक आपको पूरी सेम देखने को मिल रही है, कहीं से भी कोई पैटर्न या डिज़ाइन आउट नहीं हो रहे। सबसे बड़ी खास बात यही है, कई बार मोस्टली क्या होता है कि कस्टमर डायरेक्ट हमारे पास में आते हैं, उनको नॉलेज नहीं रहता है, वो अपना पूरा डायग्राम ले आते हैं, उसके हिसाब से ही मैं उनका मार्बल सेलेक्ट कर देता हूं और उसके बाद में वह आराम से फिटिंग हो जाता है, और कहीं पे भी कोई भी एरिया के अंदर कम भी नहीं पड़ता है। और आप पूरा व्यू देख पा रहे हैं, काफ़ी 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 अच्छी है मेरी जो नज़र में यह फ्लोरिंग लग रही है, और बहुत ही अच्छा इसका गेटअप आया है। ये तो मैं आपको एक फ्लोरिंग दिखा रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आप देख पाएंगे कि कई जगह मैं विज़िट किया हूँ, लखनऊ गया हूँ, गोवा गया हूँ, उसके अलावा मैं अभी रिसेंटली केरला गया हूँ, कर्नाटक गया हूँ, तो सबके फ्लोरिंग के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, उनका फीडबैक भी देखने को मिलेगा। तो ये एक चीज़ प्रूव करती है कि हमारा जो काम है एकदम जेन्युइन काम है, कहीं पे भी कोई चीटिंग नहीं है, तभी हम डायरेक्ट कस्टमर के घर पे जाते हैं, उनके इनॉग्रेशन पे भी जाते हैं।
अभी आप यहाँ से देख पा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा इसका गेटअप आ रहा है। एक बार मैं बता दूं कि कस्टमर का माइंड सेट रहता है कि मेरे को वाइट चाहिए वाइट चाहिए। अभी आप ये फ्लोरिंग देखिए, ये वाइट नहीं है, वाइट प्लस ग्रे इसके अंदर पैटर्न है, लाइनिंग है, और ये फ्लोरिंग कितनी प्यारी लग रही है। अगर आप माइंड सेट रखते हैं कि वाइट चाहिए तो इससे चार गुना प्राइस चली जाएगी, जो आपके बजट में भी नहीं रहेगा। फिर आप वाइट के चक्कर में अंबाजी या फिर अदर क्वालिटी लेके जाएंगे और आप मकराना मार्बल नहीं ले पाएंगे। तो थोड़ा सा अपना नॉलेज बढ़ाइए और जो मकराना मार्बल की बेस्ट क्वालिटी है उसी का ही आप सिलेक्शन कीजिए। मेरी तरफ से आपको यही राय देता हूँ, ताकि आपका घर, जो आप इतनी मेहनत से अपना घर बनाते हैं, इतना टाइम लगा के पूरी मेहनत करते हैं, तो आपका घर अच्छे से अच्छा बन सके। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है और मेरा 100% दावा है कि आज तक मेरा कोई भी कस्टमर अनसेटिस्फाई नहीं रहा। हमेशा हम मार्बल कम सेल कर लेंगे, बट जो मार्बल सेल करेंगे बढ़िया क्वालिटी सेल करेंगे। तो कंप्लीट फ्लोरिंग दिखाने के बाद में अब कस्टमर का क्या फीडबैक है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैं राजस्थान से यहाँ हरियाणा केथल आया हूँ और कंप्लीट घर रेडी हो गया था, और उस टाइम पे जैसे सर हमारे यहाँ पे डायरेक्ट आए थे और मैंने जो मार्बल पसंद किया वही इन्होंने फिटिंग करवाया, तो कंप्लीट सर आराम से घर रेडी हो गया है। और अब आपका क्या एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस तो अच्छा है, दो साल से भी ऊपर हो गए आपसे मार्बल लाए हुए। हाँ, 2 साल से ऊपर, क्योंकि काम हमारा घर का लंबा चला। हाँ, अभी तो 6 महीने हमारे को इधर शिफ्ट हुए भी हो गए हैं। हाँ, पर जो भी आता है वो मार्बल की तारीफ करता है। जी, जी। जिन्होंने 600-700-800 रुपए का इटालियन लगवा रखा है ना, तो वो भी लगा के पछता रहे हैं। हाँ, सही बात। और इधर आते हैं बहुत खूबसूरत लगता है। नहीं, बहुत प्यार। और फिर जैसे आपने बताया था कैल्शियम की मात्रा इसमें, सही बात है। तो हम तो बच्चे सब घर में नंगे पाँव इसमें घूमते हैं। और पूरी शाइनिंग है मार्बल में, क्वालिटी बहुत अच्छी है। जी जी। और घर की सुंदरता भी बहुत मार्बल के साथ ही होती है। बहुत सुंदर लग रहा है, जो भी आता है तारीफ करता है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसे कि मान लो कि मोस्टली स्लैब ही लेते, कट पीस तो लिए नहीं थे? कट पीस तो ऊपर छत के लिए लिया था हमने, छत का तो शायद आपने। हाँ नहीं, उसका नहीं बनाया था, अंधेरा भी, अंधेरा है ना। आप आए हमारे पास लेट, पहुंचे आप। हाँ, थोड़ा लेट हो गया। जी जी, तो छत के लिए कट पीस लाए थे। हाँ, बाकी तो सब रूम्स के अंदर मान लो कि स्लैब ही उसमें लिए, क्योंकि मान लो जिस हिसाब से आपने भी पूरा घर देखा होगा, एक एक काम बहुत ही अच्छा किया गया, कंप्लीट क्वालिटी का काम किया गया, और जिस हिसाब से ये घर बना उसी के अकॉर्डिंग ये पूरी मार्बल की फ्लोरिंग रेडी हुई है। और जैसे कि क्वालिटी जो अपनी है चक डूंगरी मार्बल की क्वालिटी है, और मेरी नजर है कि अंदर क्या वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी है, क्योंकि इसका क्रिस्टल आता है एकदम बारीक। आपके ही सुझाव के ऊपर हम आपके विश्वास पे लाए थे, जो विश्वास हमने किया था। हाँ, मतलब उस विश्वास पे खड़े उतरे हैं आप। हाँ, सही बात है, सही। जब भी आपका मतलब अच्छा लगा। हाँ, नहीं तो क्या होता है कि मार्बल लिया आपका काम खत्म, हमारा काम खत्म। हाँ, सही बात। नहीं तो इतना तो कोई भी नहीं करता कि आप हमारे घर पे भी आए, आप हमारा फीडबैक लेने के लिए। जी जी जी, आपका काम साफ सुथरा काम है, स्पष्ट काम है, सही बात। तो ही आप हमारे घर पर आए हैं 500 किलोमीटर से, नहीं तो कौन करता, माल बेचा उसके बाद छुट्टी। सही बात सर। एक्चुअली में अपना रिलेशन यही है अपना, जैसे मान लो कस्टमर का रिलेशन, मान लो कि उसके अलावा एक फैमिली रिलेशन। बिल्कुल 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 बिल्कुल, माल बेचना तो एक दिन का काम होता है। हाँ, सही बात है। आगे रिलेशन बने रहे, ये भी अगर आप माल अच्छा नहीं देते तो कहाँ रिलेशन रहते। सही बात है, सही बात। और उस टाइम पे भी मान लो ये सर आए थे तो मैं 8 से 10 स्लैब के ऊपर सोल्ड लिख दिया था, मतलब ये मार्बल बेचा हुआ है। मतलब काफी टाइम पहले बात भी हो रही थी, बट जो बढ़िया क्वालिटी थी उसके ऊपर मैंने सोल्ड लिख दिया था, और मोस्टली वही फाइनल होके यहाँ पे आई थी और सर को भी पसंद आ गई थी। बट रियली जो मैंने मेहनत की, सर ने मेहनत किया, उसका पूरा रिजल्ट आ गया है। और मतलब इनसे मिल के वापस आज दोबारा मुलाकात हुई है, काफ़ी अच्छा लगा। और इनके ये दो हमारे भैया हैं, और आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं छोटी सी बात और कहना चाहूँगा। जी, एक मेरे साथ ही मेरे दोस्त का घर बन रहा था। जी, वो इटालियन लाया था किशनगढ़ से जाकर। हाँ हाँ। और वो इतना पछता रहा है, वो 550-600 रुपए का इटालियन लाया था। आज उसके यहाँ मतलब हालात उसके ऐसे हैं, उसमें साफ तो क्रैक दिखते हैं और शाइनिंग भी कोई नहीं है, पता नहीं क्या लगता है।
वो पूरा फिलिंग आता है ना, फाइबर होता है। हाँ, और उसमें थोड़े खड्डे वड्डे भी आएंगे, मतलब वो मेरे घर में आता है तो उसकी आंखें ऐसी होती हैं कि भाई उसको पछतावा होता है मेरे मार्बल को देख के। सही बात है, ये सदाबहार चीज है। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात कही है। जी भैया, आप बोल रहे थे। मैं ये कहता हूँ कि जैसे फर्क है, जैसे आपने एक बात बोलती है कि इसके अंदर कैल्शियम है। सही बात। जब हम मोस्टली घर में नंगे पैर ही रहते हैं और जब चलते हैं इसके ऊपर फील हो रहा है कि हाँ भी आंखों में भी कुछ फर्क पड़ रहा है, रोशनी में 100% आया। मतलब आंखों की ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा हो गई, आंखों की रोशनी दूर तक वो विजिबिलिटी क्लियर है ज्यादा पहले से मुकाबले। सही बात है। क्योंकि ये जैसे मान लो नेचुरल है, अभी ये मान लो घर में फिटिंग होके पॉलिश हो गया, इसके अंदर कहीं पे भी कोई केमिकल का यूज नहीं है, तो 100% प्रोसेसिंग होने के बाद में ये नेचुरल है। कैल्शियम इसके अंदर है, कोई बॉडी को हार्मफुल नहीं है। अब जैसे हमारे उधर कार्विंग का वर्क होता है तो जो लेबर काम करते हैं तो डस्ट उनके शरीर पे, बॉडी पे, उसके अंदर जाती है। कभी किसी को मान लो कोई भी अंदर की कोई तकलीफ नहीं हुई है, बाकी बाहर में भी कोई भी तकलीफ नहीं होती है। तो सबसे बड़ा मकराना मार्बल का बेनिफिट यही है। और अपने घर में लगाए, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। मान लो कि कई चीज ऐसी होती है, 15 साल की गारंटी, 20 साल की गारंटी, ये 1000 साल खराब नहीं होगा। अगर मान लो पुराना होता देखा तो इसको आप वापस पॉलिश करवा दो, नया हो जाए, ये बेनिफिट रहता है। बल्कि हमारा मिस्त्री भी जब था, उसने जैसे बाहर फ्रंट में इंटेलिन लगा थोड़ा सा, उसका जब वो फाइबर छील रहा था, काट रहा था, तो उसको मतलब बॉडी में एलर्जी हो गई थी पूरी उससे। और जब वो ये वाला मार्बल काट रहा था तो उसको मतलब वो सारा यहाँ भी कुछ बढ़िया सी लग रही, रिलैक्सिंग थी उसको, क्योंकि कैल्शियम वगैरह बॉडी में एनर्जेटिक सी लगता है, क्योंकि प्योर कैल्शियम डायरेक्ट मिल रहा है बॉडी को। सही बात, ये चीज है। और उसके अलावा जैसे कि ये हमारे छोटे भी है बड़े भी है, ये भी YouTube पे मेहनत करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। जैसे इस घर का मैंने छोटा वीडियो तो अपलोड किया है, बट आप इसके कई सारे अलग अलग रूम्स के एक एक चीज का आप नॉलेज लेना चाहते हैं, तो जैसे इन भैया का भी YouTube पे वो है, चैनल है इनका भी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो वो उनका लिंक डालूंगा, तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, उसमें जाके देख सकते हैं आप। अगर पूरा घर का पूरा डिटेल आएगा, घर की आपने ब्लॉगिंग देखनी हो तो इसका चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आपको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखना है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं डेली ब्लॉगिंग दिखाता रहता हूँ उसमें, मेरी डेली लाइफ से रिलेटेड। बिल्कुल 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 सर जी, सर बिल्कुल, मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, और अब आगे बढ़ने के लिए मेरे को आपका आशीर्वाद दीजिए। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आपको ये हमारी कोशिश पसंद आई होगी, और इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाता रहूँगा। अभी रिसेंटली मैं केरल, कर्नाटका, गोवा, इन सब जगह भी गया था, लखनऊ भी गया था, और सभी कस्टमर की फ्लोरिंग एंड फीडबैक का वीडियो भी अपलोड मैंने किया था। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रामराना मार्बल्स।